एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं लेकर आई हूँ सूजी का इंस्टेंट ढोकला, मगर एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट क्या है कि मेरे पास था ये बथुए का रायता, हरा बथुए का रायता, जो आजकल सर्दी में बहुत लोगों में बनाते हैं और टेस्टी भी है, गर्म भी है तासीर में। कुछ कटा हुआ हरा धनिया, एक चम्मच नमक और 1/3 कप गाजर मैंने चॉप की है, बारीक, चॉपर में, ग्रेट नहीं की है। 1 कप पूरा सूजी, ऑयल लिया है और तड़के के लिए हमने ली है राई, 3-4 हरी मिर्चें और 10-12 कड़ी लीव्स और थोड़ा पानी। तो बस इसके साथ बनाते हैं, झट से तैयार करने वाला ये सूजी का ढोकला, और साथ में लेंगे हम कुकिंग सोडा। देखिए, सबसे पहले हमने ऐसे स्टैंड रख लिया है, पानी डाल दिया है उसमें, इसको ढककर बॉयल होने रख दिया है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और यहीं पे मैंने, देखिए, ये अपनी जो डिश है जिसमें मैं ढोकला बनाने वाली हूँ उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो ये ली है हमने सूजी, इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल, इससे ये बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। और ये डालेंगे हम बथुए का रायता, इसमें नमक है इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक कम डाला है। और ये डाला हमने कटा हुआ हरा धनिया, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसमें बेकिंग सोडा और इसके ऊपर अब डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि एक्टिवेट हो जाए, और इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर गाजर डाल देंगे हम। तो ये ट्विस्ट के साथ ढोकला है और बहुत अच्छा लगने वाला है। मिक्स करते हैं, और जिसमें मैंने रायता लिया था उसी कप में मैं 1/2 कप पानी लेकर उसको भी डाल रही हूँ और इसको कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। ये देखिए, ये हमारा बैटर जो है बनके तैयार है। 2-3 मिनट हम ऐसे करेंगे बस। दो तीन मिनट नहीं, मतलब 2-4 बार ऐसे करेंगे। और ये देखिए, ये फ्लफी हो गया है, फ्लफी होना शुरू हो गया है, देख रहे हैं ना आप कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको उसमें जिसमें हमने ऑयल लगाया है डिश में, केक टिन या जो भी आपके पास थाली है तो थाली, उसमें हम इसको डाल देंगे। मेरे पास ये केक टिन है, मैं ये इसमें डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और आप देखिए बहुत अच्छा लगने वाला है। और अब हम इसे ऐसे स्टैंड में रख देंगे, और ये जो हमने इस पे कवर किया हुआ था ना, इस पर थोड़ा पानी आ गया है, तो इसको मैं पेपर नेपकिन से पोंछती हूँ और तब इसको रखती हूँ। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, कलर अच्छा आए, ऑप्शनल है। और ये हम इसको अब कवर कर देंगे, मीडियम टू स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया ये बना है, और ये देखिए बिल्कुल क्लीन चाकू निकला है, यानी हमारा ये तैयार है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने की इंतजार करते हैं। तो ये हमने तड़के के लिए जो तेल है वो गरम कर लिया है, 1.5 टेबलस्पून लिया है। इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच राई, कुछ करी लीव्स और ये हरी मिर्ची। तो ये देखिए, तड़का तैयार हो गया है, गैस को हमने ऑफ कर दिया है, हल्का ठंडा हो गया है। हम इसको साइड से ऐसे कट कर लेंगे और इसमें ऐसे पीसेस हम इसके कट कर लेंगे। आप देखिए, बहुत अच्छा बना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अभी गर्म है इसलिए मैं इसमें धीरे धीरे कट रहा है, तो आप थोड़ा सा ठंडा होने दो, तब तक मैं इसमें ये तड़का जो है वो डाल देती हूँ। चारों तरफ हम इसके ये तड़का डाल देंगे, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, जरूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और ये देखिए हमारा यमी सा लगने वाला जो ढोकला है ये तैयार है। तो देखिए हमने इसमें से इसको निकाल लिया है प्लेट में, और ठंडा होने के बाद ही ना, मैं तो आपको जल्दी में दिखा रही हूँ इसलिए, अदरवाइज आप पूरा पेशेंस से ना ठंडा होने दीजिए, फिर ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और ये देखिए यमी सा लगने वाला जो ढोकला है कितना बढ़िया ये बनकर तैयार है। एक बार फिर से हम इसको ऐसे कर देते हैं और ये देखिए क्या बढ़िया ढोकला है, क्या जालीदार ढोकला है, सारी सब्जियां हैं इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए भाई इतने टेस्टी है, बथुए वाले रायते के तो आपने ढोकले नहीं खाए होंगे। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, कितना सब है, ये देखिए ट्रे में जो साइड में बच गया है। और ये बहुत ही अच्छे ढोकले हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।